मुंबई कांग्रेस रोजगार एवं स्वयं रोजगार सेल के महासचिव और ईशान्य मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्तार खान के 57वें जन्मदिन पर गायकवाड़ नगर और गौतम नगर में लगभग 8 से 10 ठिकानों पर कांग्रेस कार्यकर्ता और उनके सैकड़ों चाहने वालों की तरफ से केक काटकर उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह लोगों ने डॉक्टर सत्तार खान और उनकी धर्मपत्नी गुलशन बी को सामूहिक रूप से शॉल गुलदस्ता देकर और केक खिलाकर उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। सैकड़ों बच्चों को केक खिलाया गया और उन्हें चॉकलेट वितरित किया गया। आवाज चैरिटेबल फाउंडेशन के प्रमुख अरशद निशानदार और उनके सहयोगी नजीर कुरैशी, इरफान शेख, फरहान अंसारी और कैफ सैयद और लोटस कॉलोनी रहवासियों ने डॉक्टर सत्तार खान का गुलदस्ता देकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। चक्की नाला बुद्ध नगर में समाज सेवक मिलिंद कडलाक के जनसंपर्क कार्यालय में डॉक्टर सत्तार खान ने केक काटा और स्थानीय कई लोगों ने उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। वहीं तांबोली वेलफेयर ट्रस्ट के जमीर तांबोली, महाराष्ट्र सिविल टाइम्स चैनल के संपादक जालिंदर कांबले, अजीज खान, अकबर अली, नईम शरीफ, सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र सुतार और मीडिया के कई लोगों ने भी उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। कार्यक्रम समापन पर स्थानीय कई महिलाओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डॉक्टर सत्तार खान गत 30 से 32 सालों से हमारी सेवा कर रहे हैं। यहाँ की सीट 144 को महिला के लिए आरक्षित किया गया है, इसलिए हमने सर्वसम्मति से उनकी पत्नी गुलशन बी को इस बार नगर सेविका बनाने का निर्णय लिया है। एक महिला ने यहाँ तक कह दिया कि महिलाओं का एक शिष्टमंडल यहाँ के कांग्रेस नेता वसीम जायद खान और मुंबई कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक भाई जगताप, कार्याध्यक्ष चरणजीत सिंह सप्रा से मिलकर गुलशन बी डॉक्टर सत्तार खान को कांग्रेस का टिकट देने के लिए अपील करेगा। गुलशन बी ने एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा कि इस 144 वार्ड की मेरी माताएं, बहनें और भाइयों को हम दोनों पति पत्नी पर भरोसा है और उनको लगता है कि हम लोग उनकी सेवा सही ढंग से कर सकते हैं। पत्रकारों का एक सवाल कि क्या इस बार कांग्रेस आपको टिकट देगी, इस पर डॉक्टर सत्तार खान ने कहा कि मैं पिछले 3 दशक से पार्टी और यहाँ की आवाम की सेवा बिना किसी स्वार्थ से कर रहा हूँ। इस बार मुझे पूरा यकीन है कि पार्टी मेरे साथ न्याय करेगी और मेरी पत्नी गुलशन बी को कांग्रेस अपना अधिकृत उम्मीदवार जरूर बनाएगी। आज मुझे इस वार्ड के लोगों ने जो प्यार और सम्मान दिया है उसके लिए सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे भरोसा है यही प्यार और सम्मान गुलशन बी को भी मनपा चुनाव 2022 में जरूर मिलेगा। 1985 से मैं समाज सेवा करते आ रहा हूँ। इस दरमियान मैं कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ा हूँ। हमारी कांग्रेस पार्टी के जो मुंबई के अध्यक्ष है भाई जगताप जी, कार्याध्यक्ष चरणजीत सिंह सप्रा जी, ईशान्य मुंबई जिला के अध्यक्ष अब्राहम रॉयमनी और इस शिवाजीनगर मानकुर विधानसभा के हमारे नेता वसीम जावेद खान, इनके मार्गदर्शन पर मैं कांग्रेस पार्टी का काम करता आ रहा हूँ। विविध लोगों की विविध समस्या आती रहती है, वो सुलझाने का काम मैं करते आ रहा हूँ। 5 जून ये मेरा जन्मदिन है, बड़ी सौभाग्य की बात है क्योंकि आज पर्यावरण दिवस, जो जागतिक पर्यावरण दिवस आज मनाया जाता है। एक संदेश लोगों के लिए ये भी होता है कि भाई पर्यावरण को किस तरह उसका संरक्षण करना चाहिए। पर्यावरण बचाना माने पेड़ पौधों को आप लगाना। हमारे एक परम मित्र है, आज जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने एक पौधा हमको भेंट दिया है, बहुत खुशी हुई। पर्यावरण का समतोल रखना है तो हमें पेड़ पौधे लगाने हैं, न कि उसको काटना है, ये ध्यान रखना चाहिए। अब हमारा जो ये वार्ड है मुंबई महानगर पालिका का, ये लेडीज डिक्लेयर हुआ है, लेकिन हमारी भी मंशा है। पिछले 30-32 साल से जब पार्टी का काम हम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो इस बार हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस अवसर पे आज हमने देखा कई जो चाहने वाले कार्यकर्ता है, हमारे मित्र है, जो इस वार्ड में रहने वाले नागरिक है, जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने जगह जगह पर कार्यक्रम लिए। इससे हमें पता चलता है कि हम जो पार्टी का काम कर रहे हैं सही काम कर रहे हैं, लोग इतना चाहते हैं। कई लोगों ने कहा भी कि आपकी मिसेस यहाँ से चुनाव के लिए आप खड़ी कर सकते हो,
हमने साफ सुथरी बात बताई उनसे, मुंबई कांग्रेस अगर हम पर विश्वास करती है और हमको टिकट देती है तो पार्टी को हम ये सीट जिता कर दे सकते हैं। पार्टी के आदेश के आगे हम जाएंगे नहीं, और हमें अपेक्षा है कि 30-32 साल का हमारे कार्य देखते हुए मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप जी है और कार्याध्यक्ष चरणजीत सिंह सपरा है, ये हम पर अन्याय नहीं करेंगे, उम्मीद रखते हैं। आपके माध्यम से यही हम संदेश भी पक्ष प्रवक्ता को देना चाहते हैं। पिछले 25 साल से मैं प्रशासकीय कार्य का अनुभव मेरे पास है, मंत्रालय, आमदार, दो मिनिस्टर के साथ भी काम कर चुका हूँ, और यहाँ ग्रास रूट में जो है मानकुर शिवाजीनगर जो विधानसभा क्षेत्र है इसका तो एक चप्पा चप्पा मैं जानता हूँ, और कहाँ कौन सी चीज़ की आवश्यकता है, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, ये सब जानता हूँ। महिला वार्ड हुआ है, अगर हमें पार्टी टिकट देती है तो क्यों ना हमारे घर के लोगों को खड़ा करके लोगों की जो समस्या है उसको दूर करने का पूरा प्रयास हम करेंगे। नहीं, मैं अन्याय झाला असं म्हणणार नाही, कारण काँग्रेस पक्ष हा फार मोठा पक्ष आहे आणि संयम ठेवून पक्षासोबत जर काम केलं तर एक ना एक दिवस पक्ष हा आपल्याला आपल्या कार्याची पोच म्हणून फळ, महानगरपालिकेचं तिकीट किंवा विधानसभेचं तिकीट ते देत असतं। मी सुद्धा 30-32 वर्ष कार्य केलेलं आहे, त्याचं फळ पक्षश्रेष्ठी आमचे जे मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष आहेत भाई जगताप साहेब, कार्याध्यक्ष आमचे मुंबई काँग्रेसचे चरणजीत सिंग सपराजी आहेत, ईशान्य मुंबई जिल्ह्याचे अध्यक्ष अब्राहम रॉयमनी जी आहेत, आणि आमचे इथले नेते काँग्रेसचे जे आहेत वसीम जावेद खान, हे मोठं वलय आहे, यांच्या माध्यमातून मला न्याय मिळेल अशी मी अपेक्षा करतो।